खालिस्तान समर्थक और भगौड़े अमृतपाल सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब पुलिस ने मोगा गुरुद्वारे से उसे गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। बता दें, अमृतपाल पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। पहले कहा जा रहा था कि अमृतपाल सिंह ने खुद मोगा पुलिस के सामने देर रात सरेंडर किया है, लेकिन बाद में पंजाब पुलिस ने बताया कि अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। उसे मोगा के रोडेवाल गुरुद्वारे से पकड़ा गया है और अब खबर आ रही है कि उसे सीधा असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा जाएगा। इस पूरे मामले पर पंजाब पुलिस की ओर से ट्वीट कर कहा गया, अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब पुलिस आगे की जानकारी बाद में शेयर करेगी। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पंजाब पुलिस को फटकार लगाई थी कि जब उसके साथियों को पकड़ लिया गया तो अमृतपाल तक पुलिस कैसे नहीं पहुंच पाई। अब बताया जा रहा है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी कर ली गई। अमृतपाल बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। उसे सोशल मीडिया के जरिए कई बार वीडियो भी जारी किए। कहा जा रहा था कि वो बैसाखी के मौके पर सरेंडर करेगा। उसकी खोज में पंजाब पुलिस ने देश भर में और नेपाल बॉर्डर तक ऑपरेशन चलाए। पंजाब पुलिस के कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई थी। वहीं इससे पहले पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के करीबी पप्पलप्रीत को अमृतसर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पप्पलप्रीत ने बयान दिया था कि उसे अमृतपाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने कहा था कि अमृतपाल आत्मसमर्पण करेगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता। पप्पलप्रीत ने स्पष्ट किया कि वो 28 मार्च की रात को ही अमृतपाल से अलग हो गया था। बता दें, पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद इसके चांस बढ़ गए थे कि अमृतपाल भी अब अधिक दिन तक नहीं रुकेगा और आत्मसमर्पण करेगा। अमृतपाल सबसे पहले 23 फरवरी को चर्चा में आया था। उसने अजनाला पुलिस स्टेशन में अपने करीबी को छुड़ाने के लिए हजारों समर्थकों के साथ हमला बोल दिया था। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। इसके बाद उसने कई टीवी चैनलों में दिए इंटरव्यू में अलग खालिस्तान की मांग की थी। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी। हालांकि बाद में इसी घटना के मामले में पुलिस ने केस दर्ज भी किया था। पंजाब पुलिस ने 18 मार्च को खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में 7 जिलों की पुलिस टीम शामिल थी। पुलिस की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने अमृतपाल और उसके समर्थकों का पीछा किया। पुलिस ने अमृतपाल का पीछा तब किया जब वो जालंधर की शाहकोट तहसील जा रहा था। अमृतपाल आखिरी बार बाइक से भागते हुए दिखा था। हालांकि इस बीच अमृतपाल फरार हो गया था और कई बार उसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे। अमृतपाल को लेकर पुलिस ने बेहद सख्त एक्शन लेते हुए उस पर एनएसए लगा दिया था। एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यह बेहद सख्त कानून माना जाता है। इसी कानून के तहत पुलिस संदिग्ध व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। वहीं अमृतपाल के खिलाफ जांच के दौरान एजेंसियों को ISI कनेक्शन भी मिला था। बताया जा रहा था कि उसने विदेशी खालिस्तानी हमदर्दों से मिले पैसों से अवैध हथियार के अलावा 35 बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदे थे। हालांकि जब अमृतपाल को भगौड़ा घोषित किया गया था, उसके बाद देश विदेश में उसके समर्थकों ने खूब हंगामा किया था। लंदन से लेकर अमेरिका तक भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानियों ने उसके समर्थन में खूब उत्पात मचाया। एक खबर तो यह भी सामने आई थी कि अमृतपाल सिंह नशा मुक्ति केंद्रों और गुरुद्वारों का इस्तेमाल हथियार जमा करने और युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए तैयार करने के लिए कर रहा था। इतना ही नहीं, वो प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स यानी AKF बना रहा था। हालांकि उसके मंसूबे पर पंजाब पुलिस ने पानी फेर दिया। महीनों से फरार चल रहे अमृतपाल को आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया। हालांकि आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।